सरस टेक्नोविजन की ओर से आयोजित होली समारोह में सिने जगत से काफी लोग मौजूद हुए, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और रंगों के रंग में पूरी तरह खो गए। होली के हर रंग के साथ एक दूसरे का प्यार झलक रहा था। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आए और बधाई देते हुए भी नजर आए। इन सभी को एक छत के नीचे लाने का काम रश्मि शर्मा और पवन की ओर से किया गया और उन्होंने इस रंगों के त्यौहार का पूरी तरह से लुत्फ उठाया और लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में कई सिने जगत के और साथ ही साथ उद्योग जगत से लोग जुड़े हुए इस कार्यक्रम में शिरकत किए और सभी ने होली का भरपूर मजा लिया, रंगों में अपने आप को रंगते हुए। सरस टेक्नोविजन के CEO मोनू सिंह की कोशिश और उनके सीनियर के सहयोग की वजह से ये एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो पाया। नहीं है कहाँ था सेलिब्रेशन में, आई थिंक आज आफ्टर, मतलब मैं ये कह सकती हूँ मैं 2 साल के बाद होली मना रही हूँ, तो कोरोना का के बाद, कोविड के बाद ये सेलिब्रेशन हमारा पहला सेलिब्रेशन है एंड बड़ा एक्साइटमेंट है और बहुत मज़ा आ रहा है। सब फैमिलीज, बच्चे, हम सब इंजॉय कर रहे हैं। आपकी टीम से और कौन कौन आए? एक्चुअली टीम से तो मेरी पूरी कास्ट एंड क्रू है, आ रही हैं, कुछ आ चुके हैं और पूरी फैमिली है हमारी RSTF की, तो बहुत मज़ा आ रहा है। पूरे सब अपनी फैमिली के साथ हैं, खासकर बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा एक्साइटिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल है आज। जो आपने ऑर्गेनाइज किया है पूरा, वो क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी में, इस बार क्या कुछ खास है? पहली बार तो कोरोना चला गया, नई स्टार कास्ट इसमें से ढूंढेंगे आप, एक गेट टुगेदर भी कह सकते हैं। नहीं, एक्चुअली ये पूरा का पूरा आइडिया पवन जी का है, उनका ये बहुत ही साल का फेवरेट फेस्टिवल होता है। 2 साल से उन्होंने अपने आप को बड़ा रोका हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको पता रिस्ट्रिक्शंस थे, तो ये साल उन्होंने कहा कि इस बार अच्छा धमाकेदार होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारी कास्ट, क्रू सब इसी माहौल में मनाते हैं, तो आज सब आ गए हैं और गेट टुगेदर डेफिनेटली बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें मेरे वो कास्ट भी है जो जिनके शोज हमारे बंद हो चुके हैं, बाकी उनसे भी मिलना जुलना हुआ है, तो हाँ गेट टुगेदर भी है। सारे जो हमारे पहले शोज़ के एक्टर्स थे, करंट शोज़ के एक्टर्स, फ्यूचर शो के लिए जो आने वाले हैं, सब यहाँ पे, पूरी क्रू एंड कास्ट सारी बहुत मज़े कर रही है। मैं राकेश ठाकुर, बसफ्लिक्स का फाउंडर, बसफ्लिक्स इंटरनेट और अभी बसफ्लिक्स OTT न्यूज चैनल इंटरनेशनली अभी ये सभी के लिए आ रहा है। सरस के तरफ से काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम, होली मिलन का प्रोग्राम एक किया गया है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा रश्मि शर्मा जी, पवन जी, मुनू जी का, थैंक यू सो मच, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। 2 साल कोरोना के बाद ये होली सेलिब्रेशन किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? काफ़ी अच्छे से, हम 2 साल घर में रहे बट स्टिल अभी हम लोगों को एक आज़ादी मिली है, तो हम एक छोटा सा गेट टुगेदर, एक फैमिलियर करना चाहते हैं। बसफ्लिक्स की ओर से सभी लोगों को हैप्पी होली। मैम क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, 2 साल के बाद सब लोग घरों में थे और फर्स्ट फेस्टिवल जो होता है हमारे पूरे सीजन का, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उस हिसाब से हमारा पहला फेस्टिवल होली होता है, सो होली से सब सबकी अच्छी शुरुआत हुई है, तो आई विश हैप्पी होली टू एवरीवन, लेट्स रॉक दिस ईयर, कोविड को करते हैं बाय बाय और अच्छे दिनों के लिए सबको बधाई। मैम आप क्या कहना चाहिए? या आई एम राकेश ठाकुर्स वाइफ, द फाउंडर ऑफ बसफ्लिक्स एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। और होली एक्चुअली सभी का फेवरेट फेस्टिवल है, तो आज सभी बाहर निकले 2 ईयर्स बाद, तो इट वॉज अ वेरी फन और नाइस पार्टी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, अच्छे से अरेंज किया है, तो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी होली। सो राइट, सो आई एम अभयदीप मिठा, फाउंडर एंड CEO ऑफ लिविट को लिविंग, संजीव कुमार, चीफ एडवाइजर ऑफ लिविट को लिविंग एंड फाउंडर एंड MD ऑफ लिविट को लिविंग मिस्टर रविशेखर। सो ये जो पूरा इवेंट है, दिस हैज़ बिन डन विद रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स एंड लिविट को लिविंग अलॉन्ग विद सरस ऑल्सो विच इज़ द स्पॉन्सर। द होल आइडिया इज़ लिविट को लिविंग का आइडिया ये है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं एंड जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए टू अ डिफरेंट सिटी, उनके पास अच्छी जगह नहीं होती है रहने के लिए, राइट? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप पहले ब्रोकर को मिलते हो, फिर फ्लैट ढूंढते हो, फिर यू नो यूटेंसिल्स और ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट्स नहीं मिलते हैं, रूममेट्स नहीं मिलते हैं, सोसाइटी के अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कोई आ सकता है कोई नहीं जा सकता है। सो व्हाट वी हैव डन इज़ हम स्टैंड लोन स्ट्रक्चर्स लेते हैं जहाँ पे हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स को फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं
और उसके साथ में हम लोग एक बहुत सारी एमिनिटीज़ देते हैं लाइक गेम्स रूम, मूवी रूम हो गया, यू नो लाइब्रेरी हो गई, और इन सब के साथ एक वाइब्रेंट कम्युनिटी देते हैं लाइक सेलिब्रेटिंग दीज फेस्टिवल्स. सो दिस होली फेस्टिवल इज़ वन ऑफ लिविट्स फर्स्ट फेस्टिवल्स जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड आगे ऐसे ही करते रहेंगे. रश्मि शर्मा डेल फिल्म्स इज़ द एंजल इन्वेस्टर इन लिविट कोलिविंग एंड दे हैड इन्वेस्टेड इन अस वन ईयर बैक. आई थिंक आई वुड लाइक संजीव सर. सरस टेक्नोविजन प्राइवेट लिमिटेड, हम अंधेरी वेस्ट में लोकेटेड हैं. पोस्ट प्रोडक्शन छोटा वर्ड है हमारे लिए. हम कंटेंट मेकिंग से रिलेटेड सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं. यू कंसेप्चुलाइज, आप स्क्रिप्ट बनाओगे, उसके बाद प्रोडक्शन करोगे आप, उसके बाद असली काम शुरू होता है. तो बीट साउंड, बीट बैकग्राउंड म्यूजिक, बीट VFX, बीट वट एवर, वी आर देयर. और नई टेक्नोलॉजी का अभी जो एडवेंट हुआ है जिसमें मेटावर्स है, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब लोग मेटावर्स कर रहे हैं. सो बेसिकली AR VR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी. तो सरस टेक्नोविजन एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, बेस्ड कंपनी है, जो कंटेंट मेकर के सारे ख्वाबों को पूरा करेगी एट वन विंडो शॉपिंग. यू कम टू अस, you conceptualize it, it's your content, and then we are there to solve all your problems. Rashmi Sharma Telefilms, we all know, industry mein one of the major production company hai, aur Rashmi Sharma Telefilms ki ye subsidiary company hai Saras Technovision. Hamara goal hai ki hum ek saal ke andar, do saal ke andar leading technology production company ke roop mein आए सामने और हम आए. बहुत बहुत दो साल कोरोना के बाद आज ये होली रखा गया था यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा दो साल बाद हम आज किए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किए. देखिए लोगों से अपने भाई, देखिए होली हो, दिवाली हो, ईद हो, जो भी हो, ये एक मौका होता है कम्युनिटी मिलने का. वो कोरोना की वजह से, लोगों के भय की वजह से एक कम्युनिटी लाइफ जो है वो सफ़र कर रही थी इतने दिनों से. बहुत अच्छा लगता है कि अभी हम वापस कम्युनिटी लाइफ जी रहे हैं. हम ह्यूमन बीइंग इसी के लिए बने हैं, कम्युनिटी लाइफ के लिए. एंड नाउ आई थिंक गोइंग अहेड वी विल हैव ए नाइस टाइम. कम्युनिटी साथ में जी पाएगी, हम पार्टियाँ कर पाएंगे. पार्टी क्या होती है, एट द एंड ऑफ इट इज शेयरिंग ईच अदर्स फीलिंग, ईच अदर्स इमोशन, राइट? ओके ओके ओके, क्या कहेंगे अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा. ये मेरे कंपनी के डायरेक्टर है, मैं अपनी कंपनी का CEO हूँ, जो कंपनी का नाम सरस टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में बता रहे थे सर अभी. ठीक है, अभी दो साल हुआ हम कंपनी कोविड में स्टार्ट किए थे, अभी दो साल में अच्छा ग्रोथ कर रही है अपनी कंपनी. हम आगे जाके और अच्छा ग्रोथ करने की सोच रहे हैं, उसके गेट टुगेदर में हम पार्टी रखे थे आज. लिविट के बारे में मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगा. एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो बैचलर्स यहाँ होते हैं, जो वर्किंग क्लास होते हैं, लड़के लड़कियाँ कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, ये प्रूफ लेके आइए, ये प्रमाण लेके आइए, खाना टाइम पे नहीं मिलेगा, वो बाइयाँ होंगी, तंग करेंगी, घर कैसे चलाएंगे. तो हम लिविट में बैचलर्स के लिए सारी सुविधाओं के साथ डिसेंट एकोमोडेशन, उससे अभी आप जो कॉस्ट कर रहे हो उसी कॉस्ट पे या उससे भी कम कॉस्ट पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आए हैं मार्केट में. अभय और रवि दो इस कंपनी के मैनेजमेंट में हैं. ये लोग नाइट फ्रैंक के बड़े पद पे थे, वहाँ से इन्होंने छोड़ के ज़िंदगी में एक कॉल लिया कि आगे बढ़ना है. रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, मैं एक एक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हूँ. 2014 में मैंने नौकरी छोड़ी. नौकरी छोड़ने के बाद मैं इंटरप्रेन्योर्स के साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ. तो रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के साथ मैं मिला हुआ हूँ, उनके साथ मिलकर हमने लिविट में इन्वेस्ट किया है, और हमारी कोशिश है कि कमिंग अहेड इस स्पेस में हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेंगे. बिल्कुल, हमारा मोटो है कम्युनिटी लिविंग, कि मतलब सिर्फ जियो मत, रहो मत, अनुभव करो, ज़िंदगी को महसूस करो, उसी कॉस्ट में या उससे शायद कम ही कॉस्ट में. हम आपकी समस्याओं को मतलब सॉल्व करने के लिए आए हैं और हम सॉल्व करेंगे, ये मोटो है लिविट का.
अभी पुणे में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुंबई में अभी अपनी शुरुआत होने वाली है, इसके बाद हम दिल्ली NCR उस रीजन में जाने वाले हैं। ओके, थैंक यू। जैसे पार्टीज अरेंज नहीं कर पा रहे थे, फाइनली इस बार होली हमें खेलने को मिल रही है और सभी लोगों के साथ में जो हमारा गेट टुगेदर हो जाता है, इससे बढ़िया बात होती नहीं, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि लोगों से मिल नहीं पाते, जो कि हमारे दोस्त होते हैं उनसे भी। और ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर आपको पूरा पूरा मौका मिलता है एक साथ मिलकर बहुत सारी मस्ती करने का, होली मनाने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या प्रोजेक्ट है अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ? रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स का ससुराल सिमर का, जिसमें आप मुझे देखते होंगे देवेश कैरेक्टर करता हूँ मैं उसमें। और मेरा एक और शो है पेनन्सुला का है, उसका नाम है निमा डिंजोकपा, जो कि कलर्स पर ही आता है, उसमें मैं मयंक करता हूँ। शो में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं दोनों में ही दो अलग अलग तरह का इंसान हूँ, लेकिन दोनों में मैं हमारी हीरोइंस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता हूँ। तो आपको जब आप परेशान कर रहे हो, मतलब कि आप थोड़ा सा एंटागनिस्ट प्ले कर रहे हो, और उसमें एज एन एक्टर आपके पास करने के लिए बहुत सारे स्कोप होता है, तो यस आई एम एंजॉयिंग माई कैरेक्टर्स। अभी फिलहाल आज मतलब आजकल हाँ फिलहाल जो ट्रैक चल रहा है अभी, मैं अगर इस शो की बात करूँ तो सिमर में मैं फिर से रीमा सिमर की जो अच्छी खासी लाइफ जो चल रही है उसमें मैं फिर से एंटर किया हूँ। और पहले मैं बहुत सारी तरीके से रीमा को परेशान कर चुका हूँ, अगर आप लोग शो को कंटिन्यू देखते होंगे आप जानते होंगे। तो इस बार फिर से मैं पुरानी जो मेरी जो दिल में बैठी हुई रंजिश है उसको मिटाने के लिए, अपना बदला लेने के लिए मैं फिर से आया हूँ लोगों की लाइफ में। और अभी मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो उसके लिए आपको TV देखना पड़ेगा। थैंक यू।